अब मैं DWC यूजर से लॉगिन करता हूँ एक बार, इनके कुछ है वो भी देख लीजिए। ये DWSM यूजर से मैं लॉगिन किया है मैंने। जैसे मैं आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग का स्टेटस दिखाई दे रहा है और FTK टेस्टिंग का दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। टोटल FTK में जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि टोटल 159 विलेज टेस्टेड हुए हैं। 2000 के अराउंड आपका सैंपल टेस्ट हुआ है, जिसमें से केमिकल और बैक्टीरिया कंटामिनेशन 32 है। रिमेडल एक्शन आपका टोटल 22 में हुआ है आउट ऑफ 32, जिसमें से 32 सैंपल्स कंटामिनेटेड, जिसमें 22 केवल केमिकल पैरामीटर कंटामिनेटेड हैं और 22 आपके केमिकल एक्शन बाय लैब इन चार्ज। ये लैब इन चार्ज जैसे जैसा देखिए DWSM जो डैशबोर्ड आ रहा है, इसमें हमने मेंशन कर दिया है कि 22 के 22 जो भी हुए हैं वो लैब इन चार्ज ने किए हैं, यहाँ प्रॉपर मेंशन हो रहा है। और जो DWSM यूजर हैं इन्होंने एक भी नहीं किया है, ये भी हमने मेंशन कर दिया है जीरो। तो कभी कभी लैब इंचार्ज परेशान रहते हैं कि 32 कंटामिनेशन आ रहे हैं, मैंने 22 कर दिए हैं और मुझे दिख नहीं रहे हैं। दैट मीन्स कि जो बचे हुए सैंपल्स हैं वो बैक्टेरियोलॉजिकल हैं और वो ये जो इनमें जो एक्शन लेना है वो DWSM यूजर को लेना है, लैब इंचार्ज को नहीं लेना हटा है। लेंगे उसमें तो से। ये जो बार बार फोन का करने का जो इशू रहता था या बार बार जो लैब इंचार्ज परेशान रहते थे वो हमने यहाँ रेक्टिफाई कर दिया है। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको देख लीजिए, आपको यहाँ ऐसा मेंशन हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्लियरेंस हम DW11 इंचार्ज को भी दे देंगे ताकि वो भी चेक कर पाए कि उन्हें कितने रिमेडियल एक्शन लेने हैं आउट ऑफ कंटामिनेटेड सैंपल्स और कितने वो कर सकते हैं और कितने दूसरे यूजर्स को करने हैं, उनके में भी ऐसे ही मेंशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये जो रिमेडियल एक्शन का है वो पूरा क्लियर है। और सैंपल कंटेनमेंट है 32 ही ना, तो इसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है FTK डेटा एंट्री ऑपरेटर का, ये चाहे तो यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पूरा नाम दीजिए, डिटेल दीजिए FTK यूजर का, सबमिट कर दीजिए। ये सारे डेटा एंट्री ऑपरेटर यूजर्स होंगे जो कर सकते हैं एंट्री। इसको ठीक से बता क्या है। ये शायद रिक्वेस्ट पे आया था डेटा एंट्री ऑपरेटर। जैसे ये लिस्ट ऑफ मैं DWSM यूजर पे गया, लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया कंटामिनेशन में चेक कर रहा हूँ यूजर पे। ये बैक्टीरिया कंटामिनेशन की लिस्ट है पूरी जो जो DWSM यूजर को दिखाई देगी। ये सारे के सारे FTK सैंपल्स हैं, यहाँ पे क्लिक करें एक्शन देने के लिए। ये पूरा सोर्स आ रहा है, डिटेल कहाँ पर है सोर्स, उसकी सैंपल आईडी क्या है, किस ग्राम पंचायत विलेज का है, इसका जो कंटामिनेशन है केमिकल है या बैक्टेरियोलॉजिकल है वो है। उसके बाद जो भी एक्शन लिया गया है वो यहाँ पे ले सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। केवल इतना ही करना है, बस इसका रिमेडियल एक्शन हो जाएगा। ये DWSM यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, ये स्टेट के यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, DWSM यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको इस इन्फॉर्मेशन में प्लीज सही से डालें जो भी एक्शन लिया गया है, बस इतना ही है इसमें। और ये रिपोर्ट्स हैं यहाँ से देख सकते हैं, फॉर्मेट लगे हुए हैं L1 L2 L3 L4 L5 और कुछ स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन के फॉर्मेट्स हैं इन रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। स्टेट का एक मेन इश्यू आता है कि जो हमारे S1 रिपोर्ट फॉर्मेट है इसमें जो हमारे सोर्स टेस्टेड हैं या जो विलेज हमारे जो आते हैं L1 रिपोर्ट में, L1 में जो रिपोर्ट विलेजेस के नंबर्स आते हैं ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जो JJM की बनती है वहां पे दिखते नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में जो जो विलेज लिए जाते हैं उनके कुछ अपने पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं, वो करीब 5 या 6 पैरामीटर्स हैं। आप डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग का जो फॉर्मेट है पोर्टल है वहां पर आप जाके उस नंबर पे जाके चेक कीजिए वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। वो 5 या 6 पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं उसमें। TDS है आपका, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और रेसिडुअल क्लोरीन है
बैक्टेरियोलॉजिकल है, बस यही पांच पैरामीटर्स हैं। ये जब पांचों के पांचों पैरामीटर उस विलेज में टेस्ट होंगे तभी वो काउंट होगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप जैसे कहते हैं यहाँ हमारे विलेज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये यही रीजन है कि आपके सारे के सारे जो सैंपल्स हैं वो पैरामीटर है उस विलेज में टेस्ट नहीं होंगे, इसलिए वहां नहीं दिखाई देंगे। जबकि यहाँ जो रिपोर्ट आती है, यदि आपने एक पैरामीटर भी टेस्ट किया है तो यहाँ पे वो विलेज काउंट हो जाता है। और डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है, कुछ अपने फार्मूले हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ नंबर कम दिखाई देते हैं, तो ये आपका ये इशू रहता है। तो ये अपना अपने इनसे आप चेक करिए। डॉक्यूमेंट में देख रहा हूँ मुझे। ऐसा ही ये विलेज एफटीके टेस्टिंग का रिपोर्ट्स है, आप यहाँ से विलेज वाइज टेस्टिंग देख सकते हैं। और कोई ऐसा रिपोर्ट जो आपको लगता है कि इस पोर्टल में अवेलेबल नहीं है, आप उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्टर सर को दीजिए या यूरोलॉजी को दीजिए, वो आप जब हमें वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे तब उसके बाद हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जो भी रिक्वेस्ट है आप वहाँ सीधा डायरेक्ट डायरेक्टर सर को भेजिए, यूरोलॉजी को भेजिए, उसके बाद ही कोई रिपोर्ट बनेगी। आप डायरेक्ट हमसे मत सीधा सीधा फोन करके या कॉल करके डील करिए कि सर ये रिपोर्ट नहीं है, आप हमें ऐसा रिपोर्ट बनाकर दे दीजिए। जब हमें वहां से आएगा इंफॉर्मेशन मेल आएगा, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। दैट्स ऑल।